जितने मेरे भाई बहन मेरे सारे अगे इको बिनती है कि भाई जी साढ़े तो जानी के उपर बने ही अस इलेक्शन क्या लड़ना लगे कि ए तो इं लगा रहा कि इलेक्शन नहीं है कि सांझो कोई मारने की साजिश की जा रही है। इस वक्त जरा है अगे पिछे या मैं हुआ या थोड़े विधायक हो ना असा क्या अपनी जनता कने मिलने तय भी साकी कुछ भी परमिशन लेने की जरूरत है या आ कुछ गलत करा ने कि आ थोड़े बीच आ दे अज अगर साड़ी ये हालत है तो सोचो कि कल थोड़ी क्या हालत होगी। एक इलेक्शन की ऐसा इलेक्शन बनाए के पेश किया जा रहा है कि ए इलेक्शन नहीं लगी के ऐसे लगा रहा कि जबरदस्ती जरा है ए सीट जी साकी जबरदस्ती चाहती है। मैं सीएम साहब से यह बोलना चाहनी है कि बाकी अगर जबरदस्ती भी चाहती थी ना तो तुम कल खड़ोना हा कने ए सीट पर अपना ही हक रखना था कि सीट सांझो चाहती है। सांझो कोई लड़ाई च आने का सांझो कोई शौक नहीं था। जिस तरीके का माहौल अज तुम देने च बनाई के रखा है ना ए माहौल जड़ा है ना साढ़े तय इतना दहशतपूर्ण जड़ा है पुलिस का इतना तांता और इतना मतलब भयभीत अहा हो है ना कि हर तरफ दिखा पुलिस ही पुलिस है और जिस तरफ अहा जान है उस तरफ जड़िया और बिना मतलब नंबर प्लेट दे और नंबर प्लेट भी जड़े ना इतू दे रहे जा हिमाचल दे नहीं ना उसके बाहर देने कुथी दे पता नहीं कुदू कुदू दड़िया ना साढ़े पिछा लगाई ना सांझो तो अपनी जानी पर बनाई है। अज मेरा भी परिवार है मेरे भी बच्चे अज थोड़ी जनता के खातिर मेरे या मेरे विधायक और कुछ आंदा है ना तो उसका जवाबदार जड़ा है और सीएम सुखू साहब होंगे। मैं सीधा बोलनी है ठीक है ना थोड़ा जो अत्याचार है ना सर थोड़े भी दो बेटिया ना मेरिया भी दो बेटिया लेकिन मेरे पति ने हमेशा जनता के ताइया जड़ा है संघर्ष किया है और जनता ताई आए ना कोई अपने ताई नहीं आए ना लेकिन जिस तरीके का रवैया इस सरकार का है ना और रवैया जड़ा है इतना गंदा रवैया है ना कि मैं ऐसा रवैया सोचा भी नहीं था जिंदगी कि इस तरीके की थोड़ी राजनीति गंदी होगी कि तुहा साड़ा जड़ा है ऐसा जीना हराम करी है। ठीक है इलेक्शन है ना तो इलेक्शन की तरह लड़ो ठीक है दो प्रतिद्वंदी होंगे ना लेकिन पूरी सरकार नहीं होती है। जनता के कमां कन्ने बनती शान सर इं नहीं बनती कि लोगों पर दबाव बनाई के कन्ने अपने गुंडे भेजी के तिना पर जड़ा है अत्याचार करवाना। मैं इस तरीके ने कभी नहीं सोचा है कि थोड़ा अत्याचार जड़ा जनता पर इं जड़ा किसी का प्रहार होगा लेकिन जितु अपने विधायक सुरक्षित नहीं ना विधायक की घरेवाली सुरक्षित नहीं है तो आम जनता सुरक्षित कुतू है। सांझो तो मैं इस वक्त एक कुछ जगह इंटरव्यू करानी है क्योंकि मेरे पीछे इस वक्त भी जड़िया ना गड्डिया लगिया मैं जितो जानी मेरे पीछे क्या अपने कले चलने लायक भी नहीं है। सोचो तुहा कि साढ़े देर का क्या हाल है कि मैं कले भी नहीं निकली सकती आज इन्होंने गुंडे जड़े ना सड़कों पर साढ़े पीछे लगी आ रहे मेरे घरे बार तुहा जाके दिखी सकते गड्डिया जड़िया ने सू खड़िया करी दी आवा ने अह गड्डिया चेक हो दया जाने असा गड्डिया चेक हो दया क्या लेके जा रहे हाँ तुहा क्या कर रहे गड्डिया का इस्तेमाल आपू जड़ी सरकार है पहले अपने गिरेवान झाकी के दिखे कि सह गड्डिया का किस तरीके ने इस्तेमाल करा दी है सरकारी तंत्र का किस तरीके ने इस्तेमाल करा दी है। एक विधायक पर पूरी निगरानी कने पिछे ते अपने जड़े ने थोड़े सारे कारोबार चले न ये सब जनता समझती है लेकिन जनता जवाब देगी जनता ता ही इतना बड़ा रिस्क लेके चले ना और साड़ी जड़ी जानी पर भी आज बनी सकती है। अगर सांझो सरकार ने सिक्योरिटी नहीं दी होंगी तो ये लोग सांझो शायद जानी से भी खत्म करने च पीछे ना रहते जिस तरीके ने ना देरे का माहौल बना साड़ा देरा बड़ा शांत प्रिय है और शांत प्रिय ही रखना है असा कोई यूपी बिहार नहीं बनाना। बड़ा बड़ा धन्यवाद मेरे भरा भेणा का और मेरे परिवार के बारे च भाई तो कहने की अह कितने खतरे च न आड़े तो ताई खतरा मोल लिया इस खतरे समझने हो कहना अपना सहयोग दिने बड़ा बड़ा धन्यवाद।